गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं काबल दी संगत दे मुखी भाई गुरबख्श सिंह ने दस्या कि वधिया नसल के घोड़े गुलबाग ते दिलबाग जो गुरु साहब लई लैके आया सी और लाहौर के नवाब ने खोह लए ने तां गुरु साहब ने भाई बिधी चंद नूं भेजिया। भाई बिधी चंद आग्या पा के एक घोड़ा काही बन के दूजा नजूमी बन के शाही किले लाहौर दी दीवारां तों टपा के गुरु जी पास लै आया। लाहौर के नवाब नूं पता लगा कि ये कारनामा गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे सिख दा है। उसने लाला बेग ते कमर बेग की कमान हेठ फौज में चढ़ाई करन दा हुक्म दिता। पहला उन्होंने गुरु साहब जी की फौज की सूह लैन लई खुफिया बंदा भेजा। उसके पकड़े जाने ते गुरु साहब ने कहा इनू छड़ दिओ। लाला बेग ने रात में हमला कर दिता। गुरु महाराज नूं सूह मिली। ये झड़प रात में मशालां विच हुई। राय जोध ने ऐसा टाकरा किया कि कमर बेग जंग के मैदान में मारिया गया। लला बेग ने फिर दिन चढ़ते ही 7,000 फौज नाल लैके हमला कर दिता। भाई बिधी चंद ने 500 सवार नाल अगे वध के ऐसा टाकरा किया कि मारे गए कमर बेग का पुत्र शमस खान छिट्ठा पैके अगे वध्या। भाई बिधी चंद ने इको वार नाल पार बुला दिता। फिर कासम बेग अपने भरा नूं मरदा वेख के अगे वध्या। भाई जेठा जी ने इको वार नाल उसनू जंग तो बाहर कर दिता। भाई जेठा जी का टाकरा कर ली लला बेग अगे वध्या तो भाई जेठा जी शहीदी पा गए। भाई जेठा जी शहीद होने तो बाद गुरु जी ने जाति मलक नूं टाकरे लई भेजिया। लला बेग के तीर नाल जाति मलक जी मुर्शद हो के डिग पाए। फिर गुरु साहब आप मैदान में उतरे। गुरु महाराज ने लला बेग के घोड़े निशाना बनिया। घोड़ा जख्मी हो गया। लला बेग तेगा लैके अगे वध्या। महाराज जी पैदल हो गए ते लला बेग नूं वंगार के कहा पहला वार कर। छेवें पातशाह ने लला बेग दी तेग दा वार रोक के अपनी तेग ऐसे तरीके नाल चलाई कि लला बेग थां ढेरी हो गया। उसकी मौत तो बाद काबली बेग अगे वध्या। भाई जाति मलक दी मूर्छा टुट गई। भाई बिधी चंद राय जोध ते भाई जाति मलक ने ऐसा युद्ध मचाया कि लाशां विछ गईआं। काबली बेग ने तीरां नाल दिलबाग घोड़े नूं बन्न दित्ता। महाराज ने भी ऐसा वार किया। काबली बेग दा घोड़ा फट्टड़ हो गया। काबली बेग ने गुरु जी का निशाना बन के तीर साधने चाहे। कमान विच चिल्ला चढ़न तो पहले महाराज ने उहदे तीरां नकारा कर दिंदे सन। काबली बेग ने सामने होके गुरु जी ते तेगा चलाया। महाराज ने वार रोकदे ऐसा वार किया कि वह अगला साह भी ना लै सकिया। मुगल फौजां भज उठियां। गुरु साहब ने सिखां नूं उन्हां दा पिछा करन तों रोक दिता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।